आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं वो किस तरह से बनाई जाएगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिर्फ चार मसालों से बनने वाली पनीर की सब्जी, पनीर मसाला। आइए देखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको मसाले बता देता हूँ इसमें क्या क्या डालेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, दो हमने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, तीन हमने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज और टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है, 100 ग्राम हमने पनीर लिया है। अब हम सबसे पहले पनीर को फ्राई करेंगे। फ्राई में हमने एक चम्मच तेल डाल दिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें पनीर के पीस डालेंगे। हमको इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करना है इस तरीके से। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जी है। अब हम पनीर के पीस को इस तरीके से निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में एक चम्मच तेल का और डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें दो तेज पत्ता डालेंगे, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, दो हरी इलायची, हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जब हमारा जीरा पक जाएगा तब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये लीजिए हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। हमने इसमें कोई टमाटर और प्याज की प्यूरी नहीं बनाई है, बस इसको बारीक कट कर बना दिया है। अब हम मसालों को 3 से 4 मिनट और भूनेंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी का डालेंगे। जब हमारे मसालों में ऑयल दिखने लग जाएगा हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। हमें दो बड़े चम्मच के डाले हैं। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसमें पनीर के पीस डालेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए हमारा पनीर मसाला बनकर तैयार है। गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच।
और इसमें धनिया डालेंगे, इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि सब्जी में गरम मसाले का फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। ये लीजिए, हमारा इजी पनीर मसाला बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा जल्दी और टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर आऊंगा एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।